नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सहारनपुर में एनएचआई की टीम दो बुलडोजर के साथ कस्बा बिहारीगढ़ में पहुंची। शुरू में उन्होंने रविदास मंदिर के निकट एक दुकान के टीन शेड को हटा दिया। उसके बाद वो बाजार की ओर चल पड़े, जहां पर बाजार के सभी व्यापारी इकट्ठा हो गए और नेशनल हाईवे द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध करने लगे। व्यापारियों का कहना था कि यदि आपके पास कोई लीगल नोटिस या आदेश है तो हमें दिखाइए। वैसे हमने पहले ही नाले की भूमि को खाली कर दिया है, जो टीन शेड पड़े हैं वो नाले की भूमि पर नहीं है। इस पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने कहा कि नाला नेशनल हाईवे द्वारा बनाया गया है, उस पर किया गया अतिक्रमण अवैध माना जाएगा, जिसके लिए हमें किसी नोटिस की जरूरत नहीं है। इस बात को लेकर व्यापारियों और नेशनल हाईवे की टीम में नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद नेशनल हाईवे के अधिकारी बुलडोजर को लेकर वापस चले गए। सहारनपुर नगर की रहने वाली एक महिला ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल महिला का आरोप है कि कुछ दिन पहले उसके जेठ ने उसके साथ घर में घुसकर बलात्कार किया। उसकी शिकायत जब उसने अपने पति और सास से की तो उसको जान से मारने और जहर पिलाने की कोशिश की गई। महिला का आरोप है कि जिसकी शिकायत महिला ने थाना मंडी में भी की, लेकिन वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ससुराल मेरा पीर वाली गली में है और मेरे साथ बहुत बुरा अत्याचार हो रहा है। मेरे जेठ ने मेरे साथ बलात्कार किया और अगर मैंने उसकी शिकायत अपनी सास अपने हस्बैंड से की तो उन्होंने मुझे जहर पिला दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की कि ये हमें बदनाम कर देगी। बदनामगी के डर से उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने एप्लीकेशन थाना मंडी में भी दी है और मैं हार के यहाँ कप्तान साहब के आई हूँ। आज उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी कार्रवाई होगी और अगर मेरी कोई कार्रवाई ना हुई तो मैं अपने आप को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती हूं, क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या आपने जिला अस्पताल में एडमिट किया था? हाँ जी, मैं 2 दिन एडमिट हुई हूं वहां पे। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। बता दें कि 2 दिन बाद शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर एसडीएम देवबंद ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया है। एसडीएम ने बताया कि विद्युत विभाग, नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी सहित कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि नगरपालिका साफ सफाई का ध्यान रखे, बिजली विभाग विद्युत पोल पर पन्नी लगाए जिससे श्रद्धालुओं के साथ हादसा ना हो, साथ ही सभी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएं। शाहजहांपुर में एक प्रेमी युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक के साथ लोग तालिबानी अंदाज में मारपीट करते दिख रहे हैं। इसके अलावा परिवार वालों ने शादीशुदा प्रेमिका के साथ भी मारपीट कर गांव में घुमाया, इसका वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। ये घटना थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम कुआटांडा की घटना है। इसमें एक व्यक्ति है सूरज नाम का, जो बिलसंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद पीली भीत का। वो रात्रि में यहाँ गांव में आया था। 2:30 की रात्रि की घटना है। इस घटना के संबंध में तत्समय ही अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव बसाव नंबर में अनोखा मामला सामने आया है, जहां पेप्सी की बोतल के लिए 2 पक्षों में जबरदस्त फायरिंग हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें कुछ लोगों को भोजपुर स्थित अस्पताल में और एक घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लेकिन पुलिस फिलहाल 2 लोगों को गोली लगने की बात स्वीकार कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये ग्राम बसावनपुर थाना भोजपुर, एक व्यक्ति जैसा कि बताया जा रहा है वो पेप्सी खरीदने आया था और दूसरे पक्ष के द्वारा टोका टोकी हुई। दोनों के आपस में कहा सुनी के दौरान उभय पक्षों के लोग आए और एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो गए, जिसमें बताया गया कि एक पक्ष के आरिफ को बुलेट इंजरी है जो इसका उपचार चल रहा है और दोनों पक्षों के द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त होने के साथ साथ विधिक कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था कायम है। सर, लगभग कितने लोग घायल हैं इसमें? एक आरिफ का इलाज चल रहा है और एक बाबू को बताया जा रहा है, उसकी भी जानकारी की जा रही है। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर ऋषिकेश से है। नीलकंठ मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे, इसके लिए प्रशासन ने कांवड़ क्षेत्र में 14 जुलाई से 26 जुलाई तक मीट की दुकानें बंद करने का प्रस्ताव
शासन को भेजा है। स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए 20 से 26 जुलाई तक स्कूल बंद करने के लिए डीएम को ज्ञापन भेजा गया है। दोनों ही मामलों में शासन से आदेश मिलते ही स्थानीय प्रशासन आदेश को लागू करेगा। कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रस्तावित है और इसके दृष्टिगत ऋषिकेश तहसील में भी इसका बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। हरिपुर कला गांव से शुरू हो जाता है और पूरा हमारा रायवाला श्यामपुर होते हुए पूरा ऋषिकेश शहर इससे प्रभावित होता है, क्योंकि मुख्यतः जो कांवड़ होती है वो गंगोत्री और नीलकंठ की ओर जाती है और उसका जो मुख्य पड़ाव है वो ऋषिकेश होता है। इसके लिए हमने विशेष रूप से जो प्रबंध किए हैं उनमें हमने IDPL में 3 बड़ी पार्किंग बनाई है, जिनमें लगभग हम छोटी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं 10,000 तक के वाहनों का जो है हम व्यवस्था करवा रहे हैं, जिससे कि हम उनको वहाँ पर पार्क करवा सकें और उसके बाद जो रूट हमने तय किया है उस रूट से उनको भेजवा सकें। जो पार्किंग स्थल हैं वहीं पर हमारे द्वारा जो लोग भंडारा करवाना चाहते हैं उनको परमिशन दी जा रही है, एक ही सामने हम भंडारे की परमिशन करवा रहे हैं और साथ साथ में हेल्थ कैंप भी जो NGO के माध्यम से और किसी अन्य स्रोत से हो रहे हैं उनको भी करवा रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं। खबर कन्नौज से है। कन्नौज में संदिग्ध कारणों से लगी आग के बाद चाय की बंद दुकान में रखे 3 सिलेंडर फट गए। सिलेंडर के धमाकों से आसपास के लोगों में दहशत के माहौल है। बता दें कि एक एक कर धमाकों से पूरी दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते दुकान जलकर खाक हो गई। ये पूरा मामला गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के पूर्वी क्रॉसिंग के पास। पीलीभीत में वर और वधु पक्ष के बीच शादी के दौरान बात ऐसी बिगड़ी कि बारात थाने पहुंच गई। बता दें कि बारातियों और लड़की पक्ष के बीच शादी के दौरान जनरेटर बंद होने को लेकर आपस में कहासुनी होने पर जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें बाराती पक्ष के कई लोग घायल हो गए। इस मारपीट में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद लड़की ने शादी करने से मना कर दिया है। इस पर लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों थाने पहुंच गए, पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अब पुलिस घटना की जाँच में जुटी है। घटना थाना बिलसडा क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में चोरी के शक में एक युवक को पड़ोसियों ने रस्सी से बांधकर डंडे से पिटाई की थी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मैनपुरी में हर दिन की भांति मैनपुरी पुलिस द्वारा आज पैदल गश्त किया गया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं गश्त के दौरान पुलिस ने एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया है। साथ ही समाज को मैसेज दिया गया कि पुलिस सतर्क है और आम लोगों के साथ है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।